दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। बेजललेस फोन स्मार्टफोन्स के वर्ल्ड में एक लेटेस्ट ट्रेंड है और सभी कंपनीज बेजललेस स्मार्टफोन्स मार्केट पर ला रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बेजललेस स्मार्टफोन्स महंगे होते हैं और सभी उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बजट बेजललेस स्मार्टफोन अंडर 7000 रुपीज़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड बडी और ये है लेगो का कीका मैक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा gearbest.com का, जिन्होंने ये फ़ोन रिव्यू पर्पज़ के लिए सेंड किया। gearbest से आप लोग लेटेस्ट स्मार्टफोन्स और कूल गैजेट्स खरीद सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में और इंडिया के अंदर फ्री में डिलीवरी पा सकते हैं। लियागो कीका मिक्स का प्राइस जो है वो है 7200 रुपये और मुझे इसके लिए कोई भी कस्टम चार्जेस पे करना नहीं पड़ा। फ़ोन के बॉक्स के अंदर स्मार्टफोन के साथ आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एक अडैप्टर मिलेगा, टाइप सी यूएसबी केबल मिलेगा, टाइप सी के हेडफोन्स मिलेंगे, एक सिलिकॉन केस मिलेगा, वारंटी सर्टिफिकेट, यूज़र मैनुअल और एक सिम इजेक्टर पिन भी मिलेगा। इस स्मार्टफोन का मेन हाईलाइट है इस फोन का बेजललेस डिस्प्ले। इसमें आपको 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन में टॉप एंड साइड्स में एकदम ही नैरो बेजल्स है और नीचे सिर्फ बेजल दिया गया है, जिसमें आपको फ्रंट कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प और अच्छा है। डिस्प्ले के कलर्स भी बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे और डिस्प्ले के ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। इस फ़ोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 90% और डिस्प्ले 5.5 इंच का होने के बाद भी बॉडी दूसरे 5 इंच के डिस्प्ले वाले फ़ोन जैसा ही है। फ़ोन थोड़ा कम वाइड होता तो 100 ऑपरेशन में और भी आसानी होता। फ़ोन का बिल्ड काफ़ी अच्छा है। रियर पैनल मेटल से बनाया गया है और टॉप एंड बॉटम पर प्लास्टिक का दिया गया है फॉर बेटर सिग्नल रिसेप्शन। इस फोन में आपको 7000 रुपये में डिसेंट स्पेक्स मिल जाएंगे। इसमें आपको मीडियाटेक का MT6750T प्रोसेसर, साथ में 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। फ़ोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड नोगेट का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके ऊपर एक कस्टम स्किन दिया गया है। UI हल्का लैग करता है और इस फ़ोन का UI भी बाकी चाइनीज़ फ़ोन जैसे ही, जिनमें आपको कोई भी ऐप ड्रॉअर देखने को नहीं मिलता है। सारे ऐप्स होम स्क्रीन पे ही रहते हैं। इस फ़ोन में आपको रियर में 13 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल जाएगा। नॉर्मल मोड में फ़ोटोज़ ठीक ठाक है, फ़ोटो क्वालिटी एवरेज है, डिटेल्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, लेकिन बोके मोड सॉफ्टवेयर वेस्ट है और एकदम ही बेकार है। कैमरा UI में नॉर्मल मोड के साथ साथ आपको SLR मोड, HDR, चाइल्ड मोड जैसे कुछ कुछ मोड्स देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में भी आपको इस मोड में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, लेकिन 13 मेगापिक्सल के हिसाब से फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं है। रियर कैमरे से आप फुल HD वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि आप फ्रंट में से सिर्फ HD वीडियोज़ ही रिकॉर्ड कर पाएंगे और इनका वीडियो क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है। इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा हाइब्रिड सिम स्लॉट, जिस पर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या फिर 2 सिम एक साथ लगा सकते हैं। फ़ोन 4G सपोर्टेड है और फ़ोन में वोल्टी का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जियो सिम को यूज़ करके 4G तो काम करता है, लेकिन वोल्टी को मैं यूज़ नहीं कर पाया। वॉइस कॉल या वीडियो कॉल करने के लिए मुझे जियो वॉइस ऐप का यूज़ करना पड़ा। इस फ़ोन में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से एक स्पीकर फ़ोन के बॉटम में राइट साइड में दिया गया है और दूसरा फ़ोन के टॉप में दिया गया है। टॉप का स्पीकर एज ए ईयरपीस भी काम करता है और ऑडियो लाउड है, लेकिन थोड़ा और बेटर क्वालिटी ऑडियो हो सकता था। फ़ोन के फ्रंट में बॉटम में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर एक्यूरेट काम करता है, लेकिन स्क्रीन को वेक करने और अनलॉक करने में थोड़ा टाइम लगा देता है। फिंगरप्रिंट सेंसर एज ए कैपेसिटिव बटन भी काम करता है और उसकी मदद से आप ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स को हाइड करके फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से नेविगेशन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात करें 7000 रुपये में आपको इस फोन में एक ब्यूटीफुल बेजललेस डिस्प्ले मिल जाता है। फोन का परफॉर्मेंस और कैमरा एवरेज है,
लेकिन इस बजट में बेटर स्पेक्स और बेटर कैमरा स्मार्टफोन आपको मार्केट पे मिल जाएगा। तो अगर आपको लो बजट में बेजललेस स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेजललेस स्मार्टफोन के साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी चाहिए तो आप इस फ़ोन को मत खरीदिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये फ़ोन ख़रीदना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉयड बडी को। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।